दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कार्स के बारे में जिसकी सेल्स दिसंबर 2022 में टॉप में रही। अब यूं तो सभी कार कंपनीज बहुत ऑफर्स देती हैं ईयर एंड में, बट किसने कितना कमाल किया आइए देखते हैं। तो चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉप 10 लिस्ट को। 10th पोजीशन की अगर बात करें तो उसमें आती है मारुति सुजुकी वैगनार। इसकी कुल 10,181 यूनिट सोल्ड आउट हुई हैं। इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये 5,47,000 के एक्स शोरूम से स्टार्ट होके 7,19,000 के एक्स शोरूम में जाती है, जो कि इसका टॉप मॉडल आता है। साथ में इसमें आपको डुअल टोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें अगर देखें तो आपको पेट्रोल और सीएनजी दो ऑप्शंस मिल जाते हैं फ्यूल के साथ में। इसमें आपको मैनुअल के साथ में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। 9th पोजीशन मिली है हुंडई क्रेटा को। ये एक मिड साइज एसयूवी है। इसके अगर कुल यूनिट्स की बात करें तो 10,205 यूनिट सोल्ड आउट हुई है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 10,64,000 से शुरू होती है और 18,64,000 तक ये जाती है। ये आपको पेट्रोल और डीजल में देखने के लिए मिल जाएगी। 8th पोजीशन की बात करें तो इसमें आती है मारुति सुजुकी इको। इसकी कुल 10,581 यूनिट सोल्ड आउट हुई है। इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये 5,13,000 से शुरू होकर 6,44,000 तक जाती है। इसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हाल ही में इसमें एक फेसलिफ्ट आया जिसमें आपको कुछ चीज़ें अपग्रेड कर दी गई है। ये सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिल जाएगी। 7th पोजीशन की अगर बात करें तो उसमें आती है टाटा पंच। अब इसका जो पंच है इतना ज़बरदस्त लगा है इंडियन मार्केट्स में, जिसकी जो सेफ्टी रेटिंग्स है उसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया है। ये एक माइक्रो एसयूवी में आने वाली एक कार है। इसका एक अलग ही सेगमेंट बन गया है क्योंकि इसमें आपको एसयूवी वाली जो फील है पूरी आपको देने की कोशिश करी है टाटा ने। साथ में सेफ्टी इसमें आपको बहुत टॉप नॉच की मिलती है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये शुरू होती है 6,00,000 से और ये जाती है 9,54,000 तक। ये आपको सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। 6th पोजीशन की अगर बात करें तो इसमें आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ये जो है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। ये हमेशा टक्कर देते रहती है टाटा की नेक्सॉन को, बट ये कहीं ना कहीं पीछे रह गई है सेल्स के मामले में। तो इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये 7,84,000 से स्टार्ट होके 11,49,000 के एक्स शोरूम में आती है। ये जो है सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ में आती है, बट हाल ही में इसे एक अपग्रेड मिलने वाला है जिसमें आपको सीएनजी ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। 5th पोजीशन में आती है मारुति की एक और कार, जो कि है मारुति सुजुकी डिजायर। ये एक कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आने वाली एक कार है। ये जो है 11,997 यूनिट्स टोटल सोल्ड आउट हुई है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये 6,23,000 से स्टार्ट होकर 9,17,000 के एक्स शोरूम में जाती है। ये आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ में इसमें आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। 4th पोजीशन में आती है टाटा की नेक्सॉन। ये जो है इसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया था सेफ्टी के लिए। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आने वाली एक कार है, काफ़ी बढ़िया। इसमें आपको सेफ्टी मिल जाती है, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट की। इसकी टोटल जो है 12,053 यूनिट सोल्ड आउट हुई है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये 7,69,000 से स्टार्ट होकर 14,18,000 तक जाती है। इसमें आपको पेट्रोल प्लस डीजल दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ में इसमें आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। 3rd नंबर में आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये एक हैचबैक सेगमेंट में आने वाली कार है। इसकी टोटल 12,061 यूनिट सोल्ड आउट हुई है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये 5,91,000 से शुरू होकर 8,84,000 तक जाती है। ये आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स आपको इसमें मिल जाते हैं। 2nd पोजीशन में आती है मारुति सुजुकी अल्टिगा। अब ये एक MPV सेगमेंट में आने वाली कार है, 7-सीटर कार है। काफ़ी ज़्यादा ये वेटिंग के साथ में आती है, बट इसका जो क्रेज़ है कभी कम नहीं होता। इसकी अगर बात करें तो इसकी कुल 12,273 यूनिट सोल्ड आउट हुई है। प्राइसिंग की अगर बात करें अर्टिगा की तो ये 8,41,000 से शुरू होकर 12,79,000 तक जाती है। इसमें आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में आपको इसमें मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स मिल जाते हैं। 1st पोजीशन में आती है मारुति सुजुकी बलेनो। फेस लिफ्ट के बाद मुझे लगता है इसकी जो सेल्स है पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी अगर यूनिट्स की बात करें तो ये 16,932 यूनिट टोटल सोल्ड आउट हुई है। इसकी अगर प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये 6,42,000 से शुरू होकर 9,60,000 तक जाती है। इसकी जो डिज़ाइन है और इसका जो ओवरऑल लुक्स है काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। इसके साथ में इसमें आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये थी टॉप 10 कार जिसने दिसंबर 2022 में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई।
अब आपकी इसमें से कौन सी फेवरेट कार है प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताना, और कौन सी कार फर्स्ट डिजर्व करती है वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।